व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ सबटोन का ओवरहेड ट्राइपॉड। आज की वीडियो मेनली उन लोग के लिए होने वाली जिन लोग को अपनी ड्राइंग वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम आती है या जो लोग अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट नहीं कर पाते ढंग से, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा ओवरहेड ट्राइपॉड चाहिए ताकि वो अपनी वीडियोस अच्छे से शूट कर पाएँ। तो आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ सबटोन का ओवरहेड ट्राइपॉड। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया है 790 रुपीज़ में, मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ गया और ये पूरा स्टील का है एंड आज इसी की रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड लास्ट में मैं अपना रिव्यू भी दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर की बात कर लें तो बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक ट्राइपॉड स्टैंड जो कि आपके टेबल में लगेगा एंड एक आपको मिलता है मोबाइल होल्डर और एक मिलता है आपको टैब होल्डर एंड एक आपको एक एक्स्ट्रा नट भी मिलता है ताकि अगर कोई एक भी टूट जाए इनमें से तो आप एक और यूज़ कर पाएँ। और आपको एक बॉल हेड देखने को मिलता है पूरे टॉप पे ताकि आपको पूरा 360 डिग्री रोटेशन मिले एंड नीचे की तरफ आपको एक टाइट करने को मिलता है अपना स्टैंड ताकि वो पूरा टेबल से जुड़ा रहे। तो अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सो ये आपका मेनली डिज़ाइन किया गया है मोबाइल एंड मीडियम फॉर्मेट कैमराज और साथ में आपके टैबलेट्स के लिए एंड लोड कैपेसिटी इसमें 1200 ग्राम है एंड 1.2 kg के करीब एंड हाइट जो है इसकी 295 mm से लेके 750 mm तक मिलती है आपको। मटेरियल इसमें स्टील दिखाया गया है, पूरा स्टील का है, चेक किया एंड जो आपको होल्डर्स मिलेंगे होल्डर्स प्लास्टिक के हैं, बाकी सब स्टील का मिलेगा आपको। टिल्ट एंगल आपको पूरा 360 डिग्री मिलता है इसमें, हेड टाइप बॉल हेड है एंड डिपेंडेंट लेग्स इस पर आपको एक मिलता है, मतलब स्प्रेड पूरा हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है तो इसको एक लेग कहते हैं। और अगर इस पूरे स्टैंड का वेट देखा जाए तो ये 400 ग्राम है और इसकी फोल्डेड लेंथ जो है वो 350 mm तक है। फोल्डेड लेंथ ये अगर पूरा फोल्ड कर दें तो ये जो जितना पोर्शन बचेगा ये 350 mm है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको इसे यूज़ कैसे करना है एंड कैसे कैसे आप इससे शॉट्स ले सकते हो, पूरी डिटेल्स मिलने वाली इसको यूज़ करने की। इसका आप सेटअप कैसे कर सकते हो, सेटअप कैसे करेंगे आप ये भी बताऊँगा। तो चलो चलते हैं इसका सेटअप करने। सो यहाँ पे रखे हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, तो अभी ये पूरे बंद पोजीशन में, तो इसको खोलने के लिए बस हल्का सा खोलना है, इसे पूरा खोल लो। ओके, तो काफ़ी बड़ा है ये, मेरे फ्रेम में फिट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। तो इसके एक एंड पे चलते हैं अपन। सो सबसे पहले इस वाले, तो यहाँ पे एक छोटी सी पाइप दिख रही होगी आपको, तो एक आपको जो टेबल पे कनेक्ट करने के लिए जो टाइट करता है तो इसको लेना है। इस पे एक साइड पे छेद है तो यहाँ से इसको डालना है अंदर, देखो। तो थोड़ा सा हल्का दम लगा के इसको पकड़ कर डाल देना और चलो ये तो हो गया। अब तो यहाँ से पूरा अच्छे से टाइट देख लेना, हो गया। और अब दूसरे एंड पे जाते हैं तो यहाँ पे जो बॉल हेड होता है, तो ये स्टील वाला, तो अपना जो अपना फ़ोन होल्डर होता है तो उससे इसे कनेक्ट करना है, तो इसको ढीला और टाइट भी कर सकते हैं। तो फ़ोन होल्डर लेना है अपने को, कहाँ पे है, सो ये रहा फ़ोन होल्डर एंड एक और चीज़ वो है टैब होल्डर, तो उससे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़ोन होल्डर से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक वो घूमने वाला दिख रहा होगा, तो इसको पहले कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन होल्डर पे, तो ये साथ में आएगा, तो इसको पहले कनेक्ट करके फिर उसके अंदर टर्न है। तो ये क्या करता है, ये अपने जब बॉल हेड पे लगाएंगे तो उसको टाइट कर देता है ताकि जो बॉल हेड है वो घूमे ना। तो इसको अंदर डालना है अब। ओके, तो ज़्यादा घुमा दिया, मुझे लग रहा है ढीला करना पड़ेगा, नहीं हो पा रहा भाई, इसको थोड़ा ढीला करेंगे। तो चलो अब हो गया एंड अब इसको टाइट कर लेंगे अपन। ओके, सो यहाँ पे टाइट हो चुका है, तो अब ये पूरा घूमने के लिए रेडी है, देख सकते हैं आप। तो इसको अगर हम टाइट कर देंगे यहाँ पर, और अब देख लीजिए घूम नहीं रहा, तो इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा गोल वाले को। इसको ढीला कर देंगे तो बॉल हेड भी फ्रीली घूम सकता है, अब देखो। सो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये एंड अब इसको चलो टेबल पर कनेक्ट करके देखते हैं। और ये सेम प्रोसेस आप इस टैब होल्डर के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो रप सेटअप किया था उसको यहाँ टेबल पे इस कोने में लगा देना है। तो ये ध्यान रखना आपका टेबल
इतना ही हो, मतलब कुछ टेबल आते हैं ना जिसमें ऐसे एजेस होती नहीं है, तो ये ध्यान रखना। एंड इसको आप राइट साइड में घुमाते घुमाते टाइट कर लेना आपको, तो ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा वरना नीचे की तरफ स्केच पड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको स्पंज मिल जाता है, मतलब इतना ही टाइट करिएगा कि वो घूमना बंद कर जाए। तो यहाँ पर हो चुका है, और अब इसको यूज़ कैसे करना है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको 360 डिग्री तो आराम से रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको रखना हो, और जो ऊपर भी पूरा चला जाता है देखो। और यहाँ से अगर आप इसे टाइट करेंगे, एक बार जैसे मैंने टाइट कर दिया तो ये अटक जाएगा यहाँ पे, नीचे ना जाएगा ना ऊपर, और ढीला करते ये ऊपर नीचे आराम से फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, और पीछे की तरफ की एंड यहाँ पे इसको ढीला करेंगे तो ये देखो लटकने लग गया ना ये, तो ये इसके लिए है। अगर इसको टाइट कर दूंगा तो ये भी यहाँ जाम हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगा। और लास्टली अपना बॉल हेड वाला, तो उसका तो बता ही दिया था मैंने, उसको ढीला करके आप घुमा सकते हो आराम से, उसके कोई दिक्कत नहीं है। उसको टाइट कर दो फिर वो घूमेगा नहीं। और इसको पूरा जाम करने के लिए सभी जितने भी पोर्सन है टाइट करने वाले सबको टाइट कर दो, तो ये मूव नहीं करेगा नहीं। सो गाइस, यही था इसका कुछ रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरी तरफ से ये ट्राइपॉड बहुत बढ़िया है ओवरहेड शूट्स के लिए, जो कि आप अपनी ड्राइंग वीडियोज़ में मेनली यूज़ कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगता है अगर पूरा टॉप से व्यू देखना हो। ड्राइंग वीडियोज़ में अगर ट्यूटोरियल्स देने हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, साइड से देते हैं लोगों को इतना पता नहीं चलता, ऊपर से अगर आप दिखा रहे हैं उस व्यू को तो काफ़ी अच्छे से क्लियरली दिख जाता है उन्हें, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।